जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और आज स्पेशल सी वीडियो है, एक हर्षित को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आप सोचोगे क्या नहीं पता, इस बॉक्स के अंदर एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है या फिर रिन्यूड प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। मैंने पूरी लाइफ में कभी रिन्यूड प्रोडक्ट नहीं खरीदा। हर्षित तुमने खरीदा है? नहीं। देखा है? हाँ, देखा बहुत है, मैं सोचता था खरीदूंगा लेकिन कहाँ देखा, ऑनलाइन देखा बहुत। अच्छा, ऑनलाइन देखा, मैंने वही कहा, मैं धोखा कर रहा। और काफी सारे व्यूअर्स भी पूछते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा होता है, तो मैंने सोचा एक ऑर्डर कर दिया जाए। यहाँ मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा हूँ रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन आ जाते हैं। यहाँ पर और भी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ना रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यू फोन मिलते हैं। मुझे एक चीज़ लेकिन समझ नहीं आई, जैसे वन प्लस सिक्स है ना, इसका रिन्यू करके 18,000 रुपये में बेच रहे, भाई कौन लेगा, वो क्यों लेगा। अभी जैसे ये आईक्यू 7 दिखा रहा है, ये भाई 24,399 का। तो नॉर्मली रिफर्बिश फोन बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन ऐसे केस में एक बंदा है जिसको आईक्यू पसंद आता है, इनके मान लेते हैं या कोई भी फ़ोन, उसके पास फिक्स बजट है 23-24 हज़ार, और वो फ़ोन ढूंढ रहा है और उसको दिख जाता है ये फ़ोन, तो वो बाय कर सकता है। मुझे लगता है ऐसे लोग ज़्यादा बाय करना पसंद करते हैं। तो कुछ कुछ फ़ोन पे सही डिस्काउंट मिलता है, कुछ कुछ फ़ोन पे मतलब इतना कम डिस्काउंट दिखाते हैं जितना अपना कार्ड डिस्काउंट दे के भी ले सकते हो। अब जैसे गैलेक्सी S20 FE 5G है ना, ये 34,000 का मिल रहा है लगभग, कार्ड के साथ ऐसे इतने का मिल रहा है आजकल। पोको F1 16,000 का मिल रहा है। रिफर्बिश्ड जो फ़ोन होते हैं ये अच्छे भी निकल सकते हैं, सम केसेस में इनका एक्सपीरियंस बुरा भी निकल सकता है, क्योंकि ये सच है। गूगल वगैरह आप करके देखोगे ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बड़ा मस्त निकल गया उनका प्रोडक्ट, कई लोग कहते हैं नहीं भाई मेरे वाले में प्रॉब्लम थी। तो मैंने ये वाला, इसका प्राइस बताता हूँ, ये है आईक्यू Z3, मुझे लगा इसको ऑर्डर करते हैं, देखते हैं इसका क्या एक्सपीरियंस है। 6128GB वाला मेरे पास फ़ोन है और इसका प्राइस वैसे 20,000 रुपये के आसपास है, बिना कार्ड डिस्काउंट के मुझे पड़ा ये 17,000 रुपये का, तो सिर्फ 3,000 डिस्काउंट है। और पूरा फ़ोन ना कैमरे पे ही ओपन करेंगे। वैसे गैलेक्सी A52 भी देखा था मैंने, वो 22-23 हज़ार का था, मैंने कहा नहीं यार वो मतलब एक्सपीरियंस ही जब चेक करना है तो ये वाला ऑर्डर कर देते हैं, थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। ओके, यहाँ पे ये स्टिकर लगा रखा है, रिन्यू फ़ोन है, लेकिन बॉक्स तो ओरिजिनल है हर्षित। बट याद रखना बॉक्स कई बार ओरिजिनल नहीं आता, वो अपना ही बॉक्स बना के देते हैं, तो ये चीज़ें भी मैंने नोटिस किया है। डिपेंड करता ना, क्योंकि ये फ़ोन वापस जाते हैं, मान लो मैंने कोई नॉर्मल फ़ोन खरीदा, वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई, मैंने बेच दिया, रिन्यू कर दिया इन्होंने, या फिर वो रिटर्न वाले फ़ोन हो सकते हैं, या फिर कंपनी से डिफेक्टिव यूनिट हो, हु नोज, उसी को वो लोग थोक के भाव खरीद के बाद में रिन्यू करके बेचते हैं सही करके थोड़ा बहुत, इसीलिए कहा जाता है भाई बाय एट योर ओन रिस्क। तो यहाँ पे लिखा हुआ वारंटी इन्फॉर्मेशन, सेलर का फ़ोन नंबर भी है। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम राकेश है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया है आईक्यू Z3, ठीक है, ये रिन्यू प्रोडक्ट है, इस पर आपका नंबर मिला तो ये फ़ोन मुझे ठीक लगा, बट मुझे एक और फ़ोन ऑर्डर करना है, तो इस पर लिखा रहता है भाई सेलर वारंटी होती है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, हमको नहीं, अमेज़न को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर सेलर वारंटी लिखा होता है तो कौन वारंटी देगा, क्योंकि सर्विस सेंटर तो मना कर देगा। नहीं, अमेज़न से बात करना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हा? आपकी कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। क्योंकि आपने नंबर मेंशन किया था ना इस पे, इसीलिए मैंने फोन किया। नहीं नहीं, वो अमेज़न का नंबर मेंशन करते हैं, बट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें फ्रैंकली ओपन से बोला दे, वो अमेज़न का जिम्मेदारी है वो। अब देखो मैं नंबर ब्लर कर दूंगा ताकि आप इसको फोन करके परेशान ना करें, जाहिर सी बात है। एक बार मैंने गलती से किसी और का नंबर लीक कर दिया था भाई, उसको इतने फोन गए थे ये कलर ओएस वाली वीडियो में, वो मेरा नंबर नहीं था, उस भाई को मैंने फोन किया, मैंने माफी मांगी, उनको समझाया। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, दिस प्रोडक्ट इज बैक्ड बाय 6 मंथ सेलर वारंटी प्रोवाइडेड बाय सेलर। इसका मतलब जो इसको बेचेगा वो 6 महीने की वारंटी देगा, लेकिन सेलर करा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमेजोन निपटेगा इससे। अमेजोन से बात कर लेगा, मेरा नाम राकेश है। अभी बात रहा वारंटी कैसे आप क्लेम करेंगे, तो उस बारे में बताना चाहूंगा, कोई भी रिन्यू प्रोडक्ट का वारंटी में आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है जनरली वही करना पड़ता है, पर अगर आपको सेलर से बोला जा रहा है, डिनाई अगर किया जा रहा है, तो हम लोग हैं सर आपके लिए। अगर सेलर आपको डिनाई कभी भी करता है वारंटी हम लोग नहीं दे सकते या अमेज़न से होगा, तो आप बोलिएगा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक सर्विस डिनाई लेटर दे दीजिए, सेलर आपको सर्विस डिनाई लेटर दे देगा, अमेज़न आपको रिटर्न कर देगा प्रोडक्ट, रिटर्न रिप्लेस जो भी आप मांगे वो कर दिया जाएगा। और लेटर कौन लेगा, मुझे लेना पड़ेगा सेलर से लेटर की आप खुद लोग देख लेंगे, अगर वो मना कर देता है, इन केस फोन नहीं उठाता, एक नंबर ही तो है मेरे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सेलर सर्विस देने से मना कर सकता है, जो कि हालांकि उनको करना नहीं
नहीं चाहिए, और अगर वो मना करेंगे तो उसके ऊपर अमेजोन कंप्लेन भी रेज करेगा। पर अगर करता है तो आप सर्विस डिनायल लेटर मांगिएगा, सेलर आपको मेल कर देगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे पास भी आता है वो मेल। ओके सर, थैंक यू सो मच। कुछ भी हो आपको सर्विस मिल जाएगा सर, आप सर्विस के बारे में एकदम निश्चिंत रहिए। ऐसे केस में अमेज़न वाले खुद आपकी हेल्प करेंगे, रिटर्न करेंगे, जो भी करेंगे। भाई ये जो इन्होंने बताया मैं वही शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई ख़राब तो हुआ नहीं, मैं रिटर्न करके नहीं देखा है। बॉक्स के अंदर नया है, ये केबल जो है इसकी वो ओरिजिनल है, इस पर इन्होंने अपनी मर्जी से एक रैपर लगाया हुआ है, नहीं तो फ़ोन अब तक बाहर आ जाता। चार्जर ओरिजिनल है। ओ भाई फ़ोन मेरे वाला तो एकदम नया पड़ा है यार, फ्रेम पे भी कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, एकदम नया। इसके ऊपर जो प्रोटेक्टर लगा है ये भी मेरे को तो ऐसी लग रहा है ये ब्रांड वाला ही है, इस पे भी स्क्रैच नहीं, इवन लाइट में भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है, काफ़ी परफेक्ट नीट एंड क्लीन है मेरे वाला यूनिट। इसका जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है यस काम कर रहा है, फेस अनलॉक ये भी काम कर रहा है, और फ़ोन भी काम कर रहा है, ब्लोटवेयर भी काम कर रहे हैं, फुल मोड चल रही है इसकी, मैं और मौज कर देता हूँ, दिक्कत कोई नहीं है। IMEI नंबर भी बिल्कुल सेम है, डब्बा पुराने कंडीशन में है, थोड़ा गंदा सा हो रखा डब्बा। डे टू, भाई 64% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के निकल जाते हैं, ऐसे होगा हमारा 2 मिलियन नहीं, अगर आपको लगता है ऐसे हो जाएगा फिर ठीक है, लेकिन लगता है नहीं होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो सीधी सीधी बात यह है, इस फ़ोन के अंदर मैंने कुछ जो सॉफ्टवेयर आता है ना वो भी रन करके देखा, और मेरा सिम कल से इसी में लगा हुआ है, वाईफाई, वीडियो देखा, ये जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, गेम भी खेल के देखा हमने BGMI, इन सारी चीज़ों में कहीं से भी फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कई सारी वेबसाइट्स है, जैसे एग्जांपल के लिए ये कैशिफाई है, इस पे जैसे ये रिफर्बिश्ड सुपर्ब कंडीशन, ऐसे यहाँ पे गुड कंडीशन, और ऐसे ही ना फ्लिपकार्ट के अंदर भी रिफर्बिश्ड फ़ोन है, अगर आप देखोगे ये लोग भी ऐसी मेंशन करते हैं सुपर्ब कंडीशन। अब ये सुपर्ब कंडीशन वाले फ़ोन में लिखा हुआ अप टू 7 स्क्रैचेस, नो डेंट, 12 मंथ वारंटी, और गुड वाले में लिखा हुआ भाई यहाँ पे 6 मंथ वारंटी, माइनर डेंट वगैरह पड़ रहेगा। तो इस तरह से कुछ इनका सिस्टम चलता है, लेकिन कुछ बातें याद रखना, ये फ़ोन कितना भी न्यू हो सर्विस सेंटर पे आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अब टू गुड का सेलर कैसा है, कैशिफाई का सेलर कैसा है, या फिर अमेजोन वाला, तो मैंने आपको दिखा दिया, या फिर आपके फ़ोन में कौन से सिचुएशन पे रिप्लेसमेंट कितना आसान होगा ये टाइम बताएगा, और वो जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं आप कुछ गूगल वगैरह कर सकते हैं। बट मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा भाई, अगर आपको यकीन है आपके किसी जानकार ने लिया या आप अपने ही ट्रस्ट पे मतलब इसको बाय कर सकते हैं, मेरे रिकमेंडेशन या किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं, क्योंकि आप कितनी भी वीडियो देख लो, हो सकता है मैं दूसरा फ़ोन मंगाऊं वो बेकार निकल जाए, हो सकता है दूसरा भी अच्छा निकल जाए, 10 फोन मंगाऊं उसमें एक खराब निकले, इट डिपेंड्स, आप कितनी भी वीडियो देख लो सिर्फ आपको अंदाजा लगेगा, और मैंने वही कोशिश किया। और इन शॉर्ट ये रिफर्बिश जो फ़ोन होते हैं या रीन्यू फ़ोन जो होते हैं ये एक्चुअल में किस कंडीशन में रीन्यू होके आए हैं या रिफर्बिश होके आए हैं ये आपको नहीं पता लगेगा। और आपने आपके किसी जानकार ने रिफर्बिश फ़ोन का एक्सपीरियंस किया तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।